हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल जेके नेट हब एग्जाम स्टडी। हम यहां पर बात करेंगे सीईटी, जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और बीएससी जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, ठीक है ना। उसके लिए यहां पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर को लेकर बात करें तो 2021 के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो है जेके बोपी की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अभी तक हमने ट्राई की थी अभी, लेकिन हमारे पास 2020 का इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, ठीक है ना। तो उससे हम देखेंगे कुछ जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज स्कीम 16 में हैं, बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी कॉलेजेस होंगे, लगभग इस बार भी सेम रहने वाला आपका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। इसलिए कुछ जो है प्रीवियस ईयर से हम चीज़ें देख सकते हैं वो सेम रहने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए क्या रहेगी वो आप देखेंगे यहाँ पर। 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए आप, इस तरह से एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसीज ये वाली रहने वाली सेम जो 2020 में थी। ओपन मेरिट 50%, एससी के लिए 8%, एसटी के लिए 10%, सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो ओएससी कैटेगरी के लिए 4% आपको रहेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए 10%, आरबीए के लिए 4%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए। ओके, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ओके। उसके बाद फिजिकली चैलेंज पर्सन फॉर हॉरिजेंटल, इस तरह की अलग से जो रिजर्वेशन रहेगी। उसके बाद सिलेबस की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर सिलेबस क्या रहा था 2020 में, मे बी इस बार भी सेम रहे, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर तो अलग अलग रहा था। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था कि गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं, बट ऐसा नहीं है। फीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। जैसे स्कीम्स में लास्ट ईयर 13,000 समथिंग कुछ पर ईयर था शायद, या फिर पर सेमेस्टर था, ठीक है ना। सिलेबस की तरफ हम चलेंगे। बीएससी नर्सिंग के लिए लास्ट ईयर जो सिलेबस रहा, मे बी इस बार भी वही सिलेबस रहे, क्योंकि अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेम रहने वाला है, ठीक है ना। सिलेबस अगर बात करें तो यहाँ पर स्टडी सिलेबस ऑफ 12th क्लास, अच्छा सिर्फ 12th का था, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले टोटल मार्क्स फिजिक्स के लिए 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें आपको यूनिट जो फर्स्ट था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सब टॉपिक्स दिए हैं, स्कोप वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह से काइनेमेटिक्स 3, ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया था, यानी कि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, उसके भी आपको सारे ये टॉपिक्स कवर करने होते हैं। लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चंस, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी 2 क्वेश्चंस 2020 में, इस तरह से ये सिलेबस रहा था। ग्रेविटेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। थर्मोडाइनमिक्स 2 मार्क्स। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी 2 मार्क्स, ठीक है ना। वेव्स से यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, ओके क्वेश्चंस आए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसी कवर कीजिए आप, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स हैं पहले उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 मार्क्स। ऑप्टिक्स 7 मार्क्स, तो ऑप्टिक्स सबसे पहले शुरू करेंगे आप। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 मार्क्स। एटम एंड न्यूक्लियाई 3 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 4 मार्क्स। कम्युनिकेशन सिस्टम 2 मार्क्स। उसके बाद केमिस्ट्री से टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। यूनिट फर्स्ट केमिकल
अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 मार्क्स, केमिकल इक्विलिब्रियम 4, केमिकल काइनेटिक्स 2 मार्क्स, सॉल्यूशन 2 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 4 मार्क्स, रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्क्स, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर 4 मार्क्स, ओके सरफेस केमिस्ट्री यूनिट से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर 4 मार्क्स, केमिकल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 4 मार्क्स। इस तरह से आपको ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके बायोलॉजी से भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, 3, 7 मार्क्स, प्लांट फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 4 मार्क्स, 5 जेनेटिक एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 7। सो इस तरह से तो अगर लास्ट ईयर भी यही कहा गया था, अगर ट्वेल्थ अगर इंट्रेंस नहीं किया कंडक्ट किया जाता तो 12th क्लास की जो परसेंटेज है उसी के बेस पर जो है ये एडमिशन होगी। ठीक है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसी के स्कोर पर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, सभी जो भी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं उनमें एक ही एग्ज़ाम, एक ही जो क्वेश्चन पेपर है उसी के मार्क्स के बेस पर आपको एडमिशन मिलने वाली। 19th of July से आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके सो बेस्ट विशेज।